गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर के साइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 टाइम टेकन था, कैलकुलेशन बेस था, और ऐसे ही सेम है क्वेश्चन नंबर 16। बनाते हैं, देखेंगे आप लोग घर पे इसको बारी बारी बनाएंगे ताकि कैलकुलेशन क्लियर हो, कहीं कैलकुलेशन मिसिंग ना हो। ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, यदि प्रोसेस सही है तो आपका सही बनेगा, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और कैलकुलेशन को बहुत ध्यान पूर्वक आराम से बनाना है ताकि मिसिंग ना हो। देखिए मैं बनाता हूँ, इसे आप बनाने की कोशिश करिए। चलते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग का है क्या, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 3, -2, -3, 0, -5, 2, 5, 0। चलिए देखते हैं इसमें से कि ये तो हमारा 1 है, तो पहले मैं लिखते हैं ए बराबर आई ए, ध्यान है आप लोग लिखने के लिए। ए में मान लेते हैं 1, 3, -2, -3, 0, -5, 2, 5, 0, और I के बदले में क्या लिखेंगे पता है आपको, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, और ये A हो गया हमारा। अब जरा यहाँ देख लेते हैं, अब ये तो 1 है, तो 1 तो मैं दे चुका है ऑलरेडी। अब हमको क्या करना है, इसको शून्य करना है। इसको शून्य जब करना है तो देखिए शून्य कैसे करते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि देखिए यदि ये -3 है और इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा शून्य हो जाएगा, यानी आर वन में 3 से गुणा करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ फर्स्ट में कि R2 अप्लाई R2 + 3R1, हमारा ये हो गया। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हुए आर वन में कुछ नहीं करना है मैंने लिख दिया, आर थ्री में कुछ नहीं करना है मैंने लिख दिया, लेकिन आर टू में तो करना है। देखिए अब -3 में 3 जोड़ेंगे, 3 + 3 = 3, यानी कि -3 + 3 = 0 हो गया। अब जैसे 3 का 9 और ये हो गया 0, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये -5 और +3 और गुना क्या जी -2, तो -5 और -6, तो माइनस क्या हो गया 11, यानी -11 ये हमारा हो चुका। अब इसे थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब यही कोशिश करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे हमको आर टू में करना है, यानी कि आर टू में चेंजेस होगा ना आर वन में होगा ना आर थ्री में, तो 1, 0, 0 और 0, 0, 1। अब चलते हैं आर टू में जोड़ते हैं 3R1 से, तो आर टू में लेकिन 0 + 3 × 1 यानी 0 + 3 = 3। अब चलते हैं इसमें 1 + 3 × 0 तो क्या जी 1, 1, अभी 0 + 3 × 0 यानी कि 0 ये हमारा हो गया। अगला स्टेप में देखते हैं अब क्या करेंगे, ये शून्य हो गया, अब इसको भी शून्य करना होगा या इसको 1 करना होगा। तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 करने से पहले ऐसा काम कर लेते हैं, इसको पहले शून्य कर लेते हैं। तो क्या करेंगे शून्य कैसे करेंगे, जब देखिए जब इसमें 2 से गुणा करके इसमें भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे R3 apply R3 - 2R1। सो इसको क्लियर करते हैं, रफ यही करेंगे। चल देते हैं हम लोग यहां से, तो करने जा रहे हैं, देखिए तो करते हैं हम लोग ऐसे, यहाँ पे करते हैं R3 में चेंजिंग होगा, R2 में नहीं होगा, नहीं R1 में होगा, तो क्या करते हैं R3 में नहीं R2 में करना है, ठीक है R3 में ही करना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, चलिए R1 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, R2 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, अब R3 में करना है तो क्या करना है R3 - 2 - 2 × 1 यानी कि 2 - 2 = क्या हो गया 0 हो गया 0 हो गया। 5 - 2 × 1 लेते हैं R1 यानी कि 3 यानी 5 - 6 = -1 ये हो गया -1। अब चलते हैं 0 - 2R1 2 × -2 यानी कि 0 + 4 = 4 यानी हमारा हो गया क्या 4 हो गया, और यही प्रोसेस इसमें करेंगे। तो इसको क्लियर कर लेते हैं,
चलिए अब यही प्रोसेस करते हैं इसमें, तो ना आर वन में चेंजेंगे ना आर टू में चेंजेंगे, यानी वो सब कंटेंट्स को ऐसे ही, जो भी एलिमेंट्स इसको ऐसे ही लिख देंगे। चलो अब आर थ्री में चेंजिंग करना है, तो आर थ्री जीरो है, जीरो माइनस क्या है टू आर वन, टू गुणे वन यानी क्या हो जाएगा जीरो माइनस टू बराबर माइनस टू, यानी हमारा हो गया माइनस टू। अब जीरो माइनस टू गुना जीरो यानी जीरो, वन माइनस टू गुना जीरो यानी वन और इन टू वन, यहां तक हम लोग को हो गया। फिर आगे देखते हैं, चलते हैं हम लोग कि यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं कि अब स्टेप में इसको वन करना है, तो इसको यदि वन करना है तो हम आर टू में क्या करते हैं कि आर टू प्लस एट आर थ्री यानी कि आठ से गुणा कर देंगे माइनस में, तो माइनस आठ हो जाएगा और नौ, नौ में से आठ गया एक हो जाएगा। तो मैंने क्या अप्लाई किया कि आर टू अप्लाई आर टू प्लस एट आर थ्री। अब यहाँ देखते हैं हम यहाँ के बाद में यहाँ चल गया, तो चेंज करते चलना है तो हमको R2 में से नहीं करना है, R1 R3 में तो करना है नहीं, तो ऐसा करते हैं वन थ्री माइनस टू जीरो माइनस वन फोर। अब ये देखिए, देखते हैं अगला, इसको बाद में लिखने से पैसों कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, R2 R2 क्या है हमारा शून्य है ना, शून्य प्लस आठ गुना शून्य यानी शून्य प्लस शून्य तो क्या हो गया हमारा शून्य हो गया। चलिए ये देखते हैं, नौ प्लस आठ गुना माइनस वन यानी कि नौ प्लस माइनस माइनस आठ यानी क्या हो गया वन हो गया, ये हमारा हो गया वन। फिर देखते हैं माइनस इलेवन प्लस एट इंटू क्या हो गया फोर हो गया, माइनस इलेवन प्लस अतिरिक्त और चौका बत्तीस यानी कितना हो जाएगा एक और दो ट्वेंटी वन हो गया। तो ट्वेंटी वन कर लेते हैं, यहाँ पे ट्वेंटी वन कर लेते हैं। अब यही प्रोसेस करेंगे हम लोग, यही प्रोसेस हम लोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, थोड़ा सा इसमें चलते हैं। तो आर वन और आर थ्री में तो कुछ होने वाला है नहीं, तो वन जीरो जीरो माइनस टू जीरो वन आर टू में चेंज होने वाला है, तो आर टू हमारा है कितना थ्री, क्या चेंज है थ्री आर टू प्लस एट आर थ्री, तो एट आर थ्री तो आर थ्री हमारा माइनस टू है, थ्री प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन यानी हो गया माइनस थर्टीन यानी माइनस थर्टीन। अब चलते हैं आर टू हमारा है वन, वन और माइनस नहीं प्लस एट आर थ्री, तो वन प्लस एट आर थ्री, आर थ्री हमारा जीरो है यानी वन प्लस जीरो बराबर वन। अब देखते हैं अगला में जीरो है हमारा आर टू, जीरो प्लस एट आर वन आर थ्री, तो वन हो गया आर थ्री हमारा यहाँ वन है यानी जीरो प्लस एट यानी क्या हो गया एट, यहाँ तक हमारा हो गया। अगला देखते हैं, अब क्या करेंगे, अब किसको शून्य करना है, तो R1 अप्लाई R1 प्लस थ्री आर थ्री। तो चलिए करते हैं, R1 में चेंजिंग होगा, R2 में कोई चेंजिंग नहीं और R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो हमारा R1 है क्या वन है, वन प्लस थ्री गुना जीरो तो वन हो गया, ये वन रहेगा। अब थ्री अब प्लस थ्री इंटू माइनस वन यानी कि थ्री माइनस थ्री बराबर करके क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो यानी कि माइनस टू और प्लस थ्री इंटू फोर यानी कि माइनस टू और प्लस टू यानी टेन, ये हमारा हो गया टेन, ये हमारा टेन हो गया।
आप देखते हैं इसमें, यही प्रोसेस में करना है, तो क्या करेंगे, आर वन में करना है, आर टू और थ्री में से करना है, तो पहले आर टू को माइनस टू जीरो वन, अब आर वन में करना है आर वन यानी वन, अब प्लस थ्री पूरा आर थ्री यानी कि माइनस टू, यानी वन में प्लस माइनस सिक्स बराबर माइनस फाइव, यानी हमारा हो गया माइनस फाइव। अब देखिए जीरो माइनस थ्री गुना आर थ्री, आर थ्री हमारा है माइनस वन, यानी कि प्लस थ्री हो जाएगा, तो यहाँ प्लस थ्री हो गया। अब चलते हैं हम शून्य और प्लस थ्री, आर थ्री हमारा है थ्री, तो हमारा क्या हो गया जीरो प्लस नाइन, यानी हमारा क्या हो गया नाइन हो गया। अब यहाँ तक हमारा हो चुका है, इससे फिर आगे देखते हैं हम लोग अभी और चलते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो चुका, अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये तो हमारा वन जीरो जीरो, अब ये भी जीरो चाहिए, जब ये हमको जीरो चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि आर थ्री अप्लाई आर थ्री प्लस आर टू। चलिए तो पहले इसको लिखते हैं वन जीरो टेन और जीरो वन ट्वेंटी वन, अब दोनों को जोड़ना है, तो जीरो 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 हो गया हमारा, प्लस माइनस वन जीरो जीरो हो गया, और इक्कीस और चार क्या हो गया पच्चीस हो गया बराबर। इसमें वही काम करते हैं, आर वन आर टू पूरा लिख देते हैं, माइनस फाइव थ्री नाइन माइनस थर्टी वन एट, अब आर थ्री प्लस आर टू तो तेरह दो पंद्रह माइनस पंद्रह ये वन और आठ है नौ। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया, अब देखते हैं क्या इसको वन करना है, तो आर थ्री में अप्लाई करते हैं आर थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव, और वही काम करते हैं और किसी कुछ भी नहीं करेंगे, वन जीरो टेन जीरो वन ट्वेंटी वन जीरो जीरो और ये वन, आप देखते हैं क्या आर थ्री बाई ट्वेंटी फाइव करना है, माइनस फाइव थ्री नाइन माइनस थर्टीन वन एट, अब यहाँ देखना है माइनस पंद्रह बटा में पच्चीस, पच्चीस पंद्रह पाँच पच्चीस पच्चीस माइनस पाँच माइनस तीन बटा में पाँच, तो माइनस तीन बटा में पाँच, इसमें भाग देने पच्चीस तो वन बटा में ट्वेंटी फाइव और नाइन बटा में ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिसिंग था, मिसिंग क्या था हमारा, क्योंकि जब यहाँ पे आर वन प्लस थ्री आर थ्री करेंगे तो जो हमारा आर वन है शून्य है, आज शून्य फिर थ्री पूरा शून्य 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 हो गया, हालांकि मिसिंग से यहाँ पर मैं थ्री लिख चुका हूँ, थोड़ा उसको एडिट कर लेंगे आप लोग। और देखिए ये थ्री वन है तो जीरो अब प्लस थ्री इंटू वन है, लेकिन जीरो प्लस थ्री तो क्या हो गया हमारा थ्री हो गया, यहाँ जबकि नाइन लिखा चुका था, तो ऐसे करते हुए करते हुए हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं यहाँ तक, और ये जीरो ये थ्री हो गया हमारा, और ये लेते हैं वन एट नाइन, और फिर यहाँ करते करते हम लोग यहाँ पे चुके, ये हमारा शून्य है, ये शून्य है और ये थ्री है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, ये वन हो चुका जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो हो चुके हैं, ये वन हो चुके हैं, अब इसको करना है शून्य, तो जब इसको शून्य करना है तो हम लिख सकते हैं कहीं इसमें से दस घटाएगा तो मेरा शून्य हो जाएगा, यानी आर वन अप्लाई आर वन माइनस टेन आर थ्री। चलिए अब इसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग आर वन को चेंज करना है आर टू को आर थ्री चेंज तो करना ही नहीं, तो जीरो वन टू ट्वेंटी वन जीरो जीरो वन, अब देखिए आर वन यानी कि वन माइनस दस गुना जीरो, तो क्या जी वन माइनस जीरो बराबर वन, दे हमारा वन ही रह जाएगा। अब देखते हैं जीरो प्लस दस गुना जीरो यानी कि जीरो, ये हमारा जीरो रह गया,
देखते हैं 10 माइनस 10 गुना 1 यानी कि 10 माइनस 10 बराबर क्या हो गया हमारा 0, तो यहाँ 0 हो गया। अब यही प्रोसेस इस साइड वाले में करेंगे, तो इसमें हम लोग करते हैं, इसमें करते हैं हम लोग R2 R3 में तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, इसको सेम छा देते हैं। -13 1 8 -3/5 1/25 9/25। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है करना है हम लोग को, तो देखो तो क्या है R1 -10 R3 तो -5 -10 गुना -3/5 -5 और प्लस 30/5 ये 5 गुना 10 यानी 6/5 30 यानी +1 आ गया। तो यहाँ +1 कर देते हैं हम लोग। अब चलते हैं अगला में देखते हैं 0 -10 गुना 1/25 5 to 10 5 5 55 यानी 2/5 बट माइनस में तो -2/5। अब देखते हैं 3 -10 into 9/25 तो 5 to 10 अब 5 5 यानी 3 -18/5 एलसीएम 5 15 -18 यानी -3/5 यानी -3/5। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब लास्ट एक और काम करना है, क्या करना है अब यहाँ पे लेते हैं इसको, यदि शून्य में कर दूँ तो R2 को शून्य 21 को शून्य करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे R2 apply R2 -21 R3। ध्यान देंगे यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करके सो घटाएंगे तो शून्य हमारा हो जाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं R2 में 21 R3 से करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं तो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, R3 में कोई चेंजिंग नहीं, इसमें देखते हैं R2 में, तो R2 में 0 और -21 R3 0 यानी 0 का 0 लिखा हो गया 0 हो गया और 1 -21 into 0 यानी क्या हो गया 1 हो गया। अब 21 -21 into 1 यानी कि 21 -21 कट के हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, चलते हैं एक एक स्टेप को ढंग से देखते हैं। देखते यहाँ पे हमारा हो चुका है R1 R2 से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1 -2/5 -3/5 R2 में तो करना है, R3 नहीं करना है, 3/5 1/25 9/25। चलिए आप देखते हैं R2 हमारा है -13 -21 into R3 हमारा क्या है -3/5। तो ऐसे करते हैं -13 + 21 63/5 एलसीएम लेते हैं 5 हो गया -13/65 + 63 यानी क्या हो गया 2/5 तो हमारा क्या हो गया 2/5। आप देख लेते हैं तो थोड़ा देखते हैं तो 65 बड़ा है तो चीज माइनस में हो जाएगा तो यहाँ माइनस। फिर देख लेते हैं अगला, इसको मिटाते हैं और ये हो गया आपका R2 करना है 1 -21 और 1/25। तो क्या करते हैं यहाँ पे 1 -21/25 एलसीएम हो गया 25 - 21 यानी 4/25 आपका ही हो गया 4/25। अब लास्ट लेते हैं 8, इसको निकाल लेते हैं स्पेस मिल जाए अच्छी तरह से और हो गया 8 -21 into R3 9/25। अब देखते हैं 25 / 200 31 / 9 है तो 9 * 18/25 घटाते हैं कितना बच जाएगा हमारा 11/25 हो जाएगा। क्या लिख देते हैं 11/25 हो गए और आपका ये हो गया फाइनल आंसर। और यहाँ देख लेते हैं 1 का इनवर्स
बराबर लिख देते हैं 1 माइनस 2 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 4 बाई 25 11 बाई 25 माइनस 3 बाई 5 1 बाई 25 और 9 बाई 25 और ये आपका हो गया आंसर। और देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि देखिए ऐसा कैलकुलेशन है कि कहीं कहीं मिसिंग होने की चांस बनती है, तो आराम से क्वेश्चन करेंगे, ध्यान पूर्वक देखते हैं कहीं मिसिंग ना हो। हालांकि एक बार मेरे से मिसिंग हो चुका था और मैंने जिस आगे बढ़ के दिखाया तो उनको मिसिंग लगा तो मैंने उसको एडिट कर दिया। ऐसा करना कि आप लोग से ऐसी समस्या ना हो और आप लोग ढंग से क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा आंसर भी आते हैं कि हम लोग का आंसर है कि नहीं। आंसर तो समूह मिलाते हैं और आंसर ये हम लोग चेक कर लेते हैं। जो हमारा आंसर है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16, तो आंसर है 1 - 2/5 - 3/5 - 2/5 - 4/25 - 11/25 - 3/5 - 1/25 - 9/25 सर करेक्ट आंसर है और आंसर लोग आ चुका है। अब हम लोग ये फाइनेंस हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को जाना चाहेंगे बुक से ताकि मिसिंग ना हो। 2 है, 0 है, -1 है, 5 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 3 है। चलिए और ठीक है क्वेश्चन हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग क्या करना है, यहाँ से इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, तो क्या कर देते हैं हम लोग, 2 से भाग देके भी कर सकते हैं और कोई और क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि पहले इसको हम लोग R2 में कुछ करते हैं। जब R2 में करेंगे तो ये हमारा 1 बच जाएगा। अब 1 के बाद फिर 2 से घटा देंगे, यानी R1 में से R2 घटा देंगे तो हमारा ये 1 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग R2 पहले अप्लाई करते हैं फिर R1 करते हैं। तो अप्लाई करते हैं R2 और 2 R2 में 2R1 पर लिखे क्या लिखेंगे, a बराबर ia और 2 0 - 1 5 1 0 0 1 3 और ये लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हमारा ये हो गया। अब देखिए तो ये i है, इसको i समझेंगे लोग। हमने क्या बोला कि पहले R2 में कुछ कर लेते हैं, इसको 1 लाते हैं, इसको 1 लाएंगे फिर इसमें से घटा देंगे, दोनों से एक हमारा बच जाएगा। तो R2 में देखिए तो R1 को तो कुछ करेंगे नहीं, 2 0 - 1 अब 2 × 4 5 में से 4 गया 1 -0 तो 1 और 0 देखिए ध्यान से 0 0 अब -2 × -1 यानी कि +2 यहाँ हमारा हो गया +2। अब चलते हैं R3 को तो कुछ करना है नहीं, 0 यहाँ था 1 1 2 और 0 1 3। अब ये करते हैं R1 में कुछ नहीं करना है, R2 में करना है। क्या करना है, R2 - 2R1 तो R2 0 - 2 - 2 और 1 - 0 तो 1 और ये तो 0 तो 0 0 0 1। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब R1 में से R2 को घटा देते हैं। तो अप्लाई करते हैं R1 अप्लाई तो 2 R1 अप्लाई कर 2 में से गया 1 ये -1 ये -3 हो जाएगा क्योंकि -1 - 2 - 3 और ये 1 1 2 0 1 3। ये देखते हैं अगला में R1 में से R2 घटाना है तो 1 - 2 यानी कि 1 - -2 यानी कि 1 + 2 = 3 यानी ये हो गया 3 और 0 में से 1 गया -1 ये 0 - 2 1 0 0 0 1 और ये साथ में लिखते हुए चलेंगे। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, अब इसको 1 करना है, 0 करना है इसको, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा
ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग करते हैं आर टू में से आर वन को घटा देते हैं, आर टू माइनस आर टू अप्लाई आर टू माइनस आर वन करते हैं, तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है। चलिए तो हम पहले तो बात आर टू में से करना है, आर वन कुछ करना है नहीं, तो हम आर वन कुछ देंगे वन माइनस वन माइनस थ्री। अब आर टू आर थ्री में कुछ नहीं करना है तो जीरो वन थ्री, अब आर टू में करता है क्या करते हैं आर टू में करते हैं, तो आर टू हमारा है क्या वन है, वन माइनस वन जीरो और वन माइनस माइनस वन यानी कि वन प्लस वन टू, और ये हो गया टू माइनस माइनस थ्री यानी कि टू और प्लस थ्री बराबर फाइव, फाइव हो गया। अब चलते हैं इसमें करते हैं चीज़ में, इसमें चीज़ें क्या करते हैं हम लोग वही करेंगे, पहले आर वन को तो कुछ नहीं करना है, आर थ्री कुछ नहीं करना है, थ्री माइनस वन जीरो 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 वन। चलिए अब आर टू में करना है, तो आर टू हमारा है माइनस टू माइनस आर वन यानी कि माइनस थ्री यानी कि माइनस पाँच, माइनस पाँच और ये हो गया वन माइनस और माइनस वन यानी कि वन प्लस वन बराबर टू हो गया। अब देख लेते हैं फिर ये हो गया हमारा जीरो और माइनस जीरो तो जीरो हमारा इतना हो गया काम। अब देखते हैं इसको शून्य करना है तो क्या करेंगे, जब इसको शून्य करना है तो हम लोग करते क्या है कि इसमें इसको जोड़ देते हैं, आर थ्री में आर वन को जोड़ देते हैं, आर थ्री में आर वन को जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे। अब इसको शून्य करना है, इसको भी शून्य करना है, तो ऐसा करते हैं हम लोग आर वन में आर वन प्लस आर थ्री कर देते हैं, तो वन प्लस जीरो वन माइनस वन प्लस वन जीरो और ये भी क्या हो गया हमारा जीरो, जीरो टू फाइव जीरो वन थ्री। अब फिर आर वन में आर थ्री को जोड़ते हैं जीरो थ्री थ्री माइनस वन और वन माइनस फाइव टू जीरो 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 वन। अब देखते हैं क्या करना है, अब इसको वन करना है, अब इसको वन करना है तो पहले काम कर लेते हैं, अब यहाँ से इसको भी वन करना है, जब इसको वन करना है तो क्या करते हैं घटाते हैं। चलिए आर टू अप्लाई आर टू माइनस आर थ्री वन जीरो जीरो जीरो, दो में से गया एक, पाँच में से गया दो और जीरो वन और थ्री। अब देखते हैं ये हमारा हो गया आर टू माइनस आर थ्री करना है, इसमें तो कुछ करना है नहीं, माइनस पाँच दो माइनस एक जीरो जीरो वन और ये क्या हो गया। अब देखते हैं इसको वन करना है, जब इसको वन करना है तो क्या करते हैं आर थ्री अप्लाई आर थ्री माइनस आर टू वन जीरो 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 वन टू और जीरो जीरो वन। अब देखिए आर थ्री में से आर टू घटाते हैं, थ्री माइनस वन वन आर थ्री माइनस आर टू प्लस पाँच, इसको तो कुछ करना है नहीं, माइनस फाइव टू वन और आर थ्री में करना है जीरो फाइव तो पाँच हो गया, माइनस टू और वन माइनस माइनस वन यानी कि
टू। अब क्या करते हैं, अब इसको वन करना है, शून्य करना है। तो इसको शून्य करने के लिए हम क्या करते हैं कि आर टू अप्लाई आर टू माइनस टू आर वन रे आर थ्री। चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग वन जीरो जीरो। अब देखिए आर टू में से तो जीरो तो जीरो ही रह जाएगा, जीरो करेंगे दूसरे गुना वन से घटाएंगे तो जीरो थे, वन जीरो वन माइनस जीरो वन, और टू वन या टू टू में टू गया जीरो, और ये जीरो जीरो वन। अब इसमें देखते हैं आर टू में टू आर थ्री घटाना है, आर वन में कुछ नहीं करना है, थ्री माइनस वन वन। चलिए माइनस फाइव माइनस टू इंटू आर थ्री फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन, और ये हमारा हो गया माइनस फिफ्टीन, और ये टू माइनस टू गुना आर थ्री माइनस टू एंड टू प्लस फोर यानी सिक्स, ये हो गया सिक्स। फिर आगे देखते हैं और हमारा है आर टू माइनस वन माइनस टू इंटू आर थ्री यानी टू माइनस वन माइनस फोर बराबर माइनस फाइव, माइनस फाइव हो गया। आप देख लेते हैं आर थ्री में तो कोई चीज नहीं है नहीं, तो माइनस फाइव टू टू और इंटू में थ्री सेट है एक आई वर्स बराबर थ्री माइनस वन वन माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस फाइव माइनस फाइव टू टू, और यह आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आंसर मिला लेते हैं, पहले फाइनल आंसर मिलाते हैं। आपका हो गया आंसर है थ्री माइनस वन वन माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस फाइव फाइव माइनस टू और टू फाइव माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यहाँ से माइनस है छपने मिसिंग था और आपका आ गया माइनस टू, फाइव आंसर हो गया।